हेलो फ्रेंड्स, अश्विनी क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम पैरेलल पैंट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखने वाले हैं। पैरेलल पैंट के ड्राफ्टिंग के लिए हमें दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, पैंट की लेंथ और हिप राउंड। तो ये दो मेजरमेंट से ये ड्राफ्टिंग कैसे बनाना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रहेगी कि 0 to 8 ये जो लाइन है वो मैंने यहाँ पर ऑन फोल्ड लिखी हुई है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये पेपर घड़ी होगा या आप फैब्रिक पे भी डायरेक्टली कट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर कपड़े की घड़ी आएगी। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 0 to 1 ये जो है मैंने ये यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये हमारा इलास्टिक डालने के लिए होगा। अगर आपको यहाँ पे बेल्ट डालना है तो आप बेल्ट भी यहाँ पर अंदर डाल सकते हैं। तो 0 to 1 ये जो है 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। नेक्स्ट है 1 to 2 ये जो मेजरमेंट है हमें एग्जैक्टली पैंट की लंबाई लेनी है। हमारी पैंट की लंबाई है 38, तो हम यहाँ पर पैंट की लेंथ जितनी है उतना ही हमको लेना है, यानी कि 38 एग्जैक्ट। नेक्स्ट है 2 to 2A हम अगर देखेंगे यहाँ पर भी मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है, ये नीचे बॉटम के फोल्डिंग के लिए होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to 3 ये जो मेजरमेंट है वो हिप का तीसरा हिस्सा है, हिप राउंड आपका जितना भी है तो उसको 3 से डिवाइड करना है। 42 मेरा हिप राउंड है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 14, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। तो 1 to 3 ये हमारा आएगा हिप का तीसरा हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये तो हमारे वर्टिकल मेजरमेंट हो गए, अभी सारे हॉरिजेंटल मेजरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमें 3 नंबर मिला है वहाँ से हमें हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, उस पर हम लेंगे 3 to 4 ये जो है वो हमारा हिप का तीसरा होगा, मतलब सेम एज 1 to 3, जैसे 1 to 3 जितना है उतना ही 3 to 4 है, तो यहाँ पर हम 4 का मार्किंग यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसी लाइन पे जहाँ पर 4 है वहाँ से अंदर के साइड में हमें 1.5 से 2 इंच ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1.5 से 2 इंच का रहेगा, वहाँ पर हम नंबर 5 मार्क कर देते हैं। अब इस 5 नंबर से हमें ऊपर एक सीधी लाइन बना देनी है और 0 से हमें लेफ्ट में एक सीधी लाइन बनानी है, तो वो जहाँ पर टच कर रही है तो उसको हमने नंबर दिया है 6। अब हम क्या करेंगे कि 5 से क्रॉस में क्रॉसवाइज हमें 0.75 मतलब 1 इंच के लिए भी थोड़ा सा कम डिस्टेंस हमें क्रॉस में लेना है, जिसको मैंने एक्स मार्क किया हुआ है। तो ये 4x और 6 ये जो है वो हमें ऐसे कर्व शेप में ज्वाइन करना है, ये हमारा क्रॉच का शेप हो गया है, यहाँ पर हमारा क्रॉच आएगा। 0 to 6 ये जो मेजरमेंट है ना वो सेम 3 to 5 की तरह ही आना चाहिए, 3 to 5 जितना होगा उतना ही 0 to 6 भी होगा। अब नीचे आए यहाँ पर देखते हैं कि 2 to 7 और 8 to B ये दोनों भी बॉटम लाइन है, तो यहाँ पर हमारा जो बॉटम होगा वो 3 to 4 ये जितना डिस्टेंस था यानी कि 14 उससे 1.5 से 2 इंच यहाँ पर हमें कम लेना है, ठीक है। तो मतलब 3 to 4 ये हमारा हो गया 14, तो मैं यहाँ पर अगर 2 इंच माइनस कर देती हूँ तो ये हमारा 2 to 7 ये आएगा 12 इंचेस का, तो हमारा बॉटम वो 12 इंच का बन जाएगा। यहाँ पर और एक बात है कि अगर आप ये पैरेलल पैंट ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो आपको प्लाजो पैंट भी बनाना आसानी से आ जाता है, आपको बस इतना ही करना होता है, जैसे प्लाजो पैंट में फ्लेयर ज़्यादा होता है मतलब बॉटम का जो घेरा होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको ये यहाँ से बस एक्स्ट्रा करके लेना होता है कि दोनों साइड में इक्वली आपको उसको बड़ा करके ये जो शेप है वो जहाँ पर भी आपका बॉटम का घेर आया है वहाँ पर आपको वो क्रॉस में ज्वाइन करना होता है। लेकिन 0, 3, 4, 6 ये ऊपर वाला जो मेजरमेंट है वो सेम आपका पैरेलल पैंट का ही होता है, जो प्लाजो पैंट के लिए भी सेम ही रहेगा। तो अगर आप पैरेलल पैंट का ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो आपको प्लाजो पैंट भी बनाना आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर पैरेलल पैंट का ड्राफ्टिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, आशा है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सलवार बनाने में या पैंट बनाने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।